खाने को मैं रुतबा धन कहां से लेके आऊंगा, वतन को लूटने का फन कहां से लेके आऊंगा, वाह वाह, दिखाने को मैं रुतबा धन कहां से लेके आऊंगा, वतन को लूटने का फन कहां से लेके आऊंगा, सियासत में शराफत छोड़कर मैं कल चला जाऊं मगर खुद में कमीनापन कहां से लेके आऊंगा। क्या बात है, अरे वाह जिंदाबाद। मैं जिनको बुलाने वाला हूं वो देश का एक बड़ा नाम है, शायरी की दुनिया में उनका एक अपना मुकाम है। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं दिनेश रघुवंशी जी की, कि मिलते हैं तो मिलते हैं पर मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। और एक शेर और उनका है, और उसी के साथ मैं आदरणीय राजेश खुशदिल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, कि वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते, और पैसा 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 करने वाले सुन इंसानों से पैसे बात नहीं करते। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय राजेश खुशदिल जी, हमारे बीच में है, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। राजेश खुशदिल जी। लहू जनता का पीने को तुम्हें बस प्यास लगती है, वाह, लहू जनता का पीने को तुम्हें बस प्यास लगती है, गरीबों की गरीबी बस तुम्हें परिहास लगती है, वाह, सियासत वालों तुमने हमसे इतने झूठ बोले हैं, तुम्हारे मुंह से सच्ची बात भी बकवास लगती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब सर। वाह, मैं कवि हूँ, मेरे कवि मित्र हैं बहुत सारे, मुझसे कहते हैं राजेश भाई तुम्हारा देश भर में नाम है, लोग तुम्हें जानते हैं, इस नाम का कुछ फायदा उठाओ। मैंने कहा कैसे, बोला राजनीति में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, राजनीति हम कवियों के बस की बात नहीं है। वो प्रयास करने लगे मनाने का, जब वो नहीं माने तो मैंने उनको कविता की शैली में बताया कि हम कवि लोग राजनीति में क्यों नहीं आ सकते जी। आने वाले आए मगर मैं क्यों नहीं आ सकता जी। मैंने चार पंक्तियों के माध्यम से बताया कि दिखाने को मैं रुतबा धन कहां से लेके आऊंगा। राजनीति में जाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। दिखाने को मैं रुतबा धन कहां से लेके आऊंगा, दिखाने को मैं रुतबा धन कहां से लेके आऊंगा, वतन को लूटने का फन कहां से लेके आऊंगा, वाह वाह, दिखाने को मैं रुतबा धन कहां से लेके आऊंगा, वतन को लूटने का फन कहां से लेके आऊंगा, सियासत में शराफत छोड़कर मैं कल चला जाऊं मगर खुद में कमीनापन कहां से लेके आऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गजल एक ऐसी विधा है जिसके अंदर मोहब्बत प्यार की बातें की जाती है, मगर वर्तमान में गजल महलों से निकलकर फुटपाथ पर पहुंच गई, और जब गजल फुटपाथ पर आई तो क्या रूप लेकर आई, एक गजल के माध्यम का स्वागत। एक व्यंग गजल है, आपकी दुआएं मोहब्बतें मांगता हूं, आप तक बात पहुंच जाए तो सुनिएगा जी। स्वागत। खाली रहा हमेशा ही पूरा नहीं भरा, 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 पूरा नहीं भरा, पूरा नहीं भरा, दौलत से यारो पेट किसी का, वाह क्या शेर, वाह 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 वाह, यारो पेट
किसी का क्या मतलब है वाह, खाली रहा हमेशा ही पूरा नहीं भरा। और शेर आप तक पहुंच जाएगा कि माना के इस जुबान में हड्डी नहीं बनी, माना के इस जुबान में हड्डी नहीं बनी, माना के इस जुबान में हड्डी नहीं बनी, हड्डी नहीं बनी, हड्डी नहीं बनी, लेकिन दिमाग में भी तो भूसा नहीं। वाह क्या शेर है, वाह 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 शेर है, वाह वाह वाह, भूसा नहीं भरा, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, दिमाग में भी तो भूसा नहीं भरा। और पंक्तियां सुनिएगा कि थाने में पिट रहा है वो हो करके बेकसूर, थाने में पिट रहा है वो हो करके बेकसूर, थाने में पिट रहा है वो हो करके बेकसूर, हो करके बेकसूर, हो करके बेकसूर, शायद पुलिस की जेब में पैसा, और इस शेर पर विचार करने की बात है। सोचिएगा मैंने कहने की क्या कोशिश की, कि मंदिर के दान पात्र तो हम सबने भर दिए, मंदिर के दान पात्र तो हम सबने भर दिए, हम सब ने भर दिए, हम सब ने भर दिए, लेकिन किसी गरीब का खासा नहीं भरा, लेकिन किसी गरीब का खासा नहीं भरा, खाली रहा हमेशा ही पूरा नहीं भरा। और शेर सुनाता हूँ आपको कि खुद तो बिगड़ गए थे हमें भी बिगाड़ते, खुद तो बिगड़ गए थे हमें भी बिगाड़ते, खुद तो बिगड़ गए थे हमें भी बिगाड़ते, हमें भी बिगाड़ते, हमें भी बिगाड़ते, अच्छा हुआ जो आपका हुक्का नहीं, अच्छा हुआ जो आपका हुक्का नहीं भरा, जाने का राजनीति में फिर कैसा फायदा, जाने का राजनीति में फिर कैसा फायदा, फिर कैसा फायदा, फिर कैसा फायदा, जब तक किसी ने नोटों से बोरा नहीं भरा, जब तक किसी ने नोटों से बोरा, क्या शायरी हुई भरा। और ये शेर भी आप लेकर जाना, डॉक्टर हूँ तो कई बार बीमारियां और दवाइयां बीचों घुस जाती हैं मेरी गजलों के अंदर, सुनिए। नेताजी रोड़ी सी, नेताजी रोड़ी रेत और सीमेंट खा गए, नेताजी रोड़ी रेत और सीमेंट खा गए, नेताजी रेत रोड़ी और सीमेंट खा गए, सीमेंट खा गए, सीमेंट खा गए, अचरज है इनका पथरी से गुर्दा नहीं भरा, अचरज है इनका पथरी से गुर्दा नहीं भरा, खाली रहा हमेशा ही पूरा नहीं भरा। और आजकल दावतें चल रही है शादियों के अंदर, एक शेर सुनिएगा जी, स्वागत। कि खाकर नए जमाने की दावत को आदमी,
नए जमाने आकर नए जमाने की दावत को आदमी खाकर नए जमाने की दावत को आदमी दावत को आदमी दावत को आदमी कहता है पेट भर गया मन हुआ नहीं। वाह 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 क्या सही बात कही है। वाह वाह गया मन हुआ नहीं भरा। और एक शेर और आपकी दुआएं मोहब्बत मांगता कि सरकारी महकमा कोई दिखला दो एक भी एक भी सरकारी महकमा कोई दिखला दो एक भी सरकारी महकमा कोई दिखला दो एक भी दिखला दो एक भी दिखला दो एक भी जिसमें किसी नेताजी का कुनबा नहीं। जिसमें किसी नेताजी का कुनबा नहीं भरा। और पढ़ता हूँ कि जिंदा हो तब तलक ही ये दुनिया के पापियों जिंदा हो तब तलक ही ये दुनिया के पापियों जिंदा हो तब तलक ही ये दुनिया के पापियों दुनिया के पापियों दुनिया के पापियों जब तक तुम्हारे पाप का मटका नहीं भरा। जब तक तुम्हारे पाप का मटका नहीं भरा खाली रहा हमेशा ही पूरा नहीं भरा दौलत से यारो पेट किसी का नहीं भरा दौलत से यारो पेट किसी का नहीं भरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत वाह क्या सुंदर शायरी का आप आनंद ले रहे थे आदरणीय राजेश खुशदिन जी हमारे बीच में काव्य पाठ कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।